सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कंपैरिजन सीरीज के एक नए एपिसोड में। इस सीरीज में हम अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन आज हम इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में से कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर बेहतर है। तो देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले INS विक्रमादित्य से शुरुआत करते हैं। इंडियन नेवी में शामिल होने से पहले INS विक्रमादित्य का नाम बाकू था और 1987 में इसे कमीशन किया गया था। तब ये सोवियत नेवी का हिस्सा था, लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद रशिया के पास इसे ऑपरेट करने के लिए फंड की कमी थी। 1996 में रशिया ने अपनी नेवी से इसे डीकमीशन कर दिया। इसी मौके का फायदा उठा के इंडिया ने 20 जनवरी 2004 में $2.35 बिलियन में INS विक्रमादित्य को खरीद लिया। इसके बाद इस पर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन किए गए। जुलाई 2013 में INS विक्रमादित्य ने अपनी सी ट्रायल कंप्लीट किया और 16 नवंबर 2013 को इसको पहली बार कमीशन किया गया था। इसके बाद 14 जून 2014 में इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया गया। अब लियोनिंग की बात करते हैं। ये पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की पहली एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे पहले 1985 में सोवियत नेवी के लिए डिजाइन किया गया था। इसे 4 दिसंबर 1988 में लॉन्च किया गया था और 1990 में इसका नाम वायराग रखा गया था, लेकिन सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन रुक गई और इसे 1998 में चाइना को बेच दिया गया। चाइना के डालियन नावल सीपैड में इसकी बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा किया गया और 25 दिसंबर 2012 को इसे चाइनीज नेवी में टाइप 001 कैरियर के तौर पर कमीशन किया गया था। अब इन दोनों कैरियर्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक पर नजर डालते हैं। INS विक्रमादित्य एक मॉडिफाइड की क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि लियोनिंग एक कुजनेट सो क्लास कैरियर है। INS विक्रमादित्य का डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन तक हो सकता है, जबकि लियोनिंग की स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट 53,000 टन से लेकर 55,200 टन तक हो सकता है। INS विक्रमादित्य का लेंथ 283.5 मीटर, बीम 59.8 मीटर और ड्रॉट 10.2 मीटर है। वहीं पर लियोनिंग की लेंथ 304.5 मीटर, बीम 75 मीटर और ड्रॉट 8.97 मीटर है। प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो INS विक्रमादित्य में 8 टर्बो प्रेशराइज्ड बॉयलर, 4 शाफ्ट, 4 स्टीम टर्बाइन्स लगे हुए हैं, जो कि 1,80,000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकते हैं। वहीं पर लियोनिंग में स्टीम टर्बाइन्स, 8 बॉयलर और 4 शाफ्ट लगे हुए हैं, जो कि 2,00,000 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। विक्रमादित्य की मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, जबकि लियोनिंग की मैक्सिमम स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर है। विक्रमादित्य की रेंज 25,000 किलोमीटर है और इसकी एंड्योरेंस टाइम 45 डेज का है। लियोनिंग की रेंज 7,130 किलोमीटर का है और इसकी भी एंड्योरेंस टाइम 45 डेज का है। विक्रमादित्य में एक साथ 110 ऑफिसर और 1500 सेलर सफर कर सकते हैं। वहीं पर लियोनिंग पर 1960 क्रू मेंबर, 626 एयर ग्रुप और 40 फ्लैग स्टाफ सफर कर सकते हैं। अब इनके रडार और सेंसर पैकेज की बात करते हैं। INS विक्रमादित्य में लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस रडार लगा हुआ है, जो कि 500 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें रजिस्टर ई ऑटोमेटिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम भी लगा हुआ है और एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं पर लियोनिंग की बात करें तो इसमें चाइनीज टाइप 348 ASR रडार लगा हुआ है और इसके साथ ही सी ईगल रडार लगा हुआ है, जो कि 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों कैरियर्स की आर्मामेंट की बात करते हैं। INS विक्रमादित्य में 4 AK-630 फुली ऑटोमेटिक क्लोज इन ओपन सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी इफेक्टिव रेंज 4000 मीटर तक है और ये 1 मिनट में 5000 से लेकर 10000 राउंड्स फायर कर सकता है। इसकी एक मैगजीन में 2000 राउंड्स होते हैं। ये दुनिया की सबसे एडवांस क्लोज इन वेपन सिस्टम में से एक है। लियोनिंग में लगा हुआ है टाइप 1130 फुली ऑटोमेटिक क्लोज इन वेपन सिस्टम, जिसकी इफेक्टिव रेंज 3000 मीटर तक है और ये भी 1 मिनट में 5000 से 10000 राउंड फायर कर सकता है। इसकी एक मैगजीन में 1280 राउंड होते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में INS विक्रमादित्य 48 वाराकवान या फिर वाराकेट मिसाइल को कैरी कर सकता है, जिनकी ऑपरेशनल रेंज 12 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है।
वहीं पर लियोनिंग की सरफेस टू एयर मिसाइल पर नजर डाले तो ये 18HQ-10 मिसाइल को कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 6 से लेकर 9 किलोमीटर तक है। INS विक्रमादित्य मैक्सिमम 36 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है जिसमें 26 MiG-29 के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 10 कामोव के 31 AEWC हेलीकॉप्टर और कामोव के 28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर को कैरी किया जा सकता है। वहीं पर लियोनिंग मैक्सिमम 40 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है जिसमें 26 सेनयांग J-15 एयरक्राफ्ट, 6 चांगी Z-18F हेलीकॉप्टर, 6 चांगी Z-18J हेलीकॉप्टर और 2 हार्बिन Z-19 अटैक हेलीकॉप्टर्स को कैरी किया जा सकता है। अब इन दोनों कैरियर्स को कंपेयर करते हैं। लियोनिंग साइज में INS विक्रमादित्य से काफी बड़ा है और ज्यादा एयरक्राफ्ट और क्रू मेंबर्स को कैरी कर सकता है। विक्रमादित्य 36 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है जबकि लियोनिंग 40 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, तो एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी में लियोनिंग को एडवांटेजेस मिलना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो INS विक्रमादित्य की मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है जबकि लियोनिंग की मैक्सिमम स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर है, तो रफ्तार के मामले में भी लियोनिंग को एडवांटेजेस मिलना चाहिए। रेंज की बात करें तो INS विक्रमादित्य की रेंज 25,000 किलोमीटर तक है जबकि लियोनिंग की रेंज 7,130 किलोमीटर तक है और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एंड्योरेंस टाइम 45 डेज का है, तो रेंज की कैटेगरी में हम INS विक्रमादित्य को एडवांटेजेस देना चाहेंगे। रडार की बात करें तो INS विक्रमादित्य 400 से 500 किलोमीटर तक डिटेक्ट और स्कैन कर सकता है जबकि लियोनिंग की रडार सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर तक ही डिटेक्ट कर सकते हैं, तो रडार सिस्टम में भी INS विक्रमादित्य के पास एडवांटेजेस हैं। आर्मामेंट की बात करें तो INS विक्रमादित्य की वाराकवान और बाराकेट मिसाइल 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ये 48 सरफेस टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है जबकि लियोनिंग की HQ-10 मिसाइल की रेंज सबसोनिक टारगेट के लिए सिर्फ 9 किलोमीटर और सुपरसोनिक टारगेट के लिए सिर्फ 6 किलोमीटर तक ही सीमित है और लियोनिंग सिर्फ 18 सरफेस टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है, तो आर्मामेंट में भी INS विक्रमादित्य के पास एडवांटेजेस। INS विक्रमादित्य की फ्रंट लाइन फाइटर MiG-29K की फेरी रेंज 5,500 किलोमीटर तक है जबकि लियोनिंग की फ्रंट लाइन फाइटर सेनयांग J-15 की फेरी रेंज 3,500 किलोमीटर तक है। ये दोनों ही प्लेन सेम तरह के एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकते हैं जिनकी मैक्सिमम रेंज 193 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन MiG-29 के J-15 से ज़्यादा बेहतर एंटी शिप मिसाइल को कैरी कर सकता है और MiG-29 का रडार 200 से 290 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है और 130 से 150 किलोमीटर के अंदर टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वहीं पर J-15 की रडार को लेकर जानकारी अवेलेबल नहीं है, फिर भी बीजिंग के कुछ मिलिट्री वेबसाइट क्लेम करती हैं कि J-15 की रडार 120 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन J-15 MiG-29 से ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। फिर भी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में INS विक्रमादित्य के एयरक्राफ्ट लियोनिंग से ज़्यादा दूरी तक अटैक कर सकते हैं, तो अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो लियोनिंग साइज में बड़े और ज़्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी करने के बावजूद भी INS विक्रमादित्य को लियोनिंग से ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।